Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. टेक्नोवेज़ में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग डेली आ जाते हैं 6 बजे हमारी टेक न्यूज़ देखने के लिए, इतना प्यार देते, इतने सारे कमेंट्स करते। और ऑनेस्टली कहता दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत मोटिवेट फील होता है डेली कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते। और एक और बड़ा सपोर्ट यह रहेगा कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ हमारी थोड़ी कम है हमेशा से, पिछले 5 साल से यूट्यूब में हमें वो मैंने हमेशा से कम ही देखा हूँ, लेकिन स्टिल जहाँ पर मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से। और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि आज भी हम इंडिया में टॉप 10 टेक यूट्यूबर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये आज ज्ञान इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बस आप लोग पे बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। वैसे दोस्तों, नेक्स्ट वीक से बहुत अनबॉक्सिंग्स होने वाली है, मतलब हम काम करेंगे, इतना बिजी होगा जिसकी कोई हद नहीं, इतने लॉन्चेस है, बहुत मजा आने वाला है। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई यार क्या पूछा था थैनोस कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन चूज किया। अगर आप उससे भी पूछेंगे तो आई विल गो फॉर ऑनलाइन। देखिए स्मार्टफोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन, लेकिन अगर कोई और ज़्यादा बड़ी चीज़ें लेना हो तो आई प्रेफर ऑफलाइन, वहाँ जाके देख कर चेक करो लो तो वो अलग बात है। वैसे दोस्तों, आज हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, डोंट वरी, कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है, उसके लिए बने रहना, लाइक करिए, बहुत सारे लाइक्स। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे ओला से। जी हाँ, ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया था इंडिया में, S1 और S1 Pro 15 अगस्त को आई थी, उसके बाद बहुत सारा डिले हुआ, लोगों को अभी तक मिला नहीं था। 15 दिसंबर को फिर कुछ लोगों को यहां पर मिलना शुरू हुआ और अब उसके बाद इतना नाराज हो गए लोग जिसकी कोई हद नहीं। जिन जिन लोगों को मिला है उसमें बताया जा रहा है कि लॉन्च के वक्त जितने फीचर्स उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो सारे पहले तो मिसिंग है, उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को पूरी की पूरी जो स्कूटर होती है वो डैमेज मिली है। बहुत सारा उसमें फिजिकल इशू था, फोटोज भी लोगों ने यहाँ पर शेयर करे, जो एक्चुअली में दोस्तों काफ़ी बुरी बात है। आप इतना वेट कर रहे हैं, इतना पैसा दिए और उसके बाद जब ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट गुड। तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, चलेगा, आप 2022 में लेके आइए, डोंट वरी। लेकिन कुछ जब लॉन्च करो कोई चीज़ लोगों के हाथ में आए तो वो खुश होना चाहिए, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ है ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का। वैसे आप बताइए दोस्तों, आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बुक किया है कि नहीं? मैंने किया था, मैंने कैंसिल कर दिया, मेरा कुछ और प्लान है, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। OnePlus 10 Pro, जो बेसिकली 4 जनवरी को हमें पता चलेगा कि OnePlus 10 Pro जो है वो कब लॉन्च होने वाला है और क्या खास होगा, ये प्रोबेबली पहले चाइना में जाएगा, उसके बाद हमें शायद इंडिया में मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ OnePlus 10 भी दोस्तों 10A पर लिस्ट हो चुका है, यस, क्योंकि पहले बात ये हो रही थी कि OnePlus 10 Pro ही सबसे पहले लॉन्च होगा, OnePlus 10 फर्स्ट टाइम लॉन्च नहीं होगा, OnePlus 10 बाद में लॉन्च होगा ऐसा बोल रहे थे। अब OnePlus 10 भी 10A पर लिस्ट हो गया है तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता इसके भी अनाउंसमेंट हमें जनवरी में ही देखने को यहां पर मिल जाए। OnePlus 10 सीरीज बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट्स के साथ आ रही है, इतना मुझे पता चला है, और लीक्स भी जो आ रही थी वो उसको सपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं, बस एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, प्लीज OnePlus का वो जो एसेंस है ना, वो जो मसाला है ना, उसको मत खोना। हम जितना चाहे वो वैसे ही रहने देना, वरना OnePlus मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में कंप्लीटली डेड हो सकता है। बजाज, हमारा बजाज, वो वाला नहीं, बजाज क्लासिक, आपको तो बताइए। मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं कितना छोटा था मुझे याद भी नहीं है, मेरे डैडी के पास है ना बजाज थी, ठीक, बजाज वो आती ना चेतक, तो मेरे डैडी वो आवाज़ भी उसमें अजीब आती थी, तो वो किक मारते थे यूं टर, तो मुझे अभी भी याद है, और मैं आगे खड़ा रहता था उसके अंदर। हाँ, ये बजाज है, ये क्लासिक, हमारी पुरानी याद है, ये वापस आ रही है और अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रही है। जी हाँ, बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 300 करोड़ रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, आई थिंक महाराष्ट्र में कहीं पर हो रहा है, 5 लाख EVs पर NM, हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब उनकी स्कूटर वगैरह होगी, और उसी के साथ 800 लोगों को जॉब भी मिलेगा ऐसा भी बताया जा रहा है। अगर बजाज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है, ये क्लासिक अगर वापस आता है, शायद मैं ये परचेस कर लूँ। वैसे आप बताइए कि आप एक्साइटेड है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहीं बजाज के साथ कुछ आपकी कनेक्शन है, कमेंट में ना जरूर से बताएं। Xiaomi की तरफ से आज 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। सबसे पहले Redmi Note 11 S, ये भी दोस्तों ऑनलाइन लिस्ट हो चुका है और हमें इंडिया में ये कभी भी देखने को मिल सकता है। हालांकि यही सेम मॉडल नंबर बहुत पहले इंडिया की BIS पर भी लिस्ट हुआ था, इससे ये प्रूफ कर रहा है कि हाँ बड़ी ही जल्दी आ सकता है। Redmi Note 10S जो Helio G95 और AMOLED डिस्प्ले के साथ अभी इंडिया में मिल रहा है, ये उसका सक्सेसर होने वाला है और अब इसमें क्या मेजर इंप्रूवमेंट्स हो गए ये तो जब आएगा तो पता चलेगा। उसी के साथ Xiaomi का जो 12X है, अभी Xiaomi ने 12 सीरीज लॉन्च किया था ना, ये उनका
अरे कौन घंटी बजा यार, हमारे लिए किसी ने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भेजा है, ये टेक न्यूज़ देते ही पहली चीज में वो करेगा, पिएगा। हाँ, तो Xiaomi की जो 12X है दोस्तों, ये इंडिया में सबसे पहले लॉन्च होगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके स्टोरेज वेरिएंट्स भी लीक हो गए, 8128 और 8256, ये दो वेरिएंट के साथ हमें इंडिया में मिलेगा। और ये मुझे अच्छा लगा फोन, नॉट बैड, 11X से अगर देखा जाए तो इंप्रूवमेंट्स है, और बस प्राइस का कंसर्न है कि भाई वहाँ पर 37,000 है तो इंडिया में क्या प्राइस पर आएगा, उसका हम इंतजार करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्लान्स हैं Xiaomi के, और जनवरी में तो जंग होने वाली है, हम आग में घी डालेंगे, आप बस बैठ के मजे लेना। Realme की तरफ से दो खबरें हैं, एक तो अच्छी है दूसरी बुरी है। पहले बुरी खबर की बात करते हैं, Realme XT जो अच्छा खासा पुराना फोन है Realme का, यहां पर किसी ने ट्वीट किया और बताया कि उनके फ्रेंड का Realme XT ब्लास्ट हो गया, और ये फोटोज वगैरह उन्होंने शेयर करी है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे हुआ, क्या कंडीशन है, कुछ पता नहीं, बस ये एक ट्वीट उन्होंने किया, मुझे भी टैग किया, माधव शेट को भी टैग किया, बहुत सारे लोगों को और टैग किया था उसके अंदर। खैर, अब ये अरे यार ये लाइट बंद हो गई, अरे देखता हूँ मेरे को। Meanwhile, music. तू अभी चालू रहना, बंद नहीं होना। हाँ, तो मैं कहा था कि अब इसके बारे में Realme ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ बस ये देखकर ये लग रहा है कि आजकल बड़े आम हो रहे स्मार्टफोन ब्लास्ट। अब आपसे यही कहूँगा कि भाई ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, Realme अगर अच्छी खबर की बात करें तो ग्लोबली Q3 2021 में Realme ने सबसे ज़्यादा 5G स्मार्टफोन्स शिफ्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं ये चार्ट कितना ऊपर चला गया Realme। इंडिया में भी अगर बात करें तो इंडिया में भी Realme ने सबसे ज़्यादा 5G स्मार्टफोन शिफ्ट किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर आई, तो Realme को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है अगर 5G स्मार्टफोन की बात करें। लेकिन अच्छी खबर हमारे लिए अब ये है कि 2022 में 5G अभी आ रहा है, और बहुत सारी सिटीज़ की बात हो गई है, आप 5G स्मार्टफोन धड़ाधड़ लीजिए और 2022 में एंजॉय करिए। ये फोटो किसी ने ट्विटर पे शेयर किया था, अपकमिंग आईफोन 20। हाँ भाई, मारो मुझे। जिसने भी किया है बड़े कमाल की एडिटिंग किया है, हो सकता है ना भाई, मोटे मोटे सेंसर आजकल सारे फोन्स में आने वाले हैं, तो आईफोन में भी आएगा। Vivo V23 सीरीज, मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ, आपको पता है क्यों? ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें कलर चेंजिंग बैक होगा, अगर आपने सनलाइट या यूवी लाइट में एक्सपोज किया तो वो ब्लू कलर हो जाता है। ये वीडियो डाला था ईशान अग्रवाल ने, जो देखकर काफी कूल लग रहा है। अब वैसे भी Vivo के फोन्स में प्रीमियम प्राइस टैग होती है, प्राइस ज्यादा होती है, अब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो शायद और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फोन काफी बढ़िया लग रहा है, बिल्ड काफी अच्छी है और दिखने में भी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। अब आने दीजिए, कब आ रहा है ये, 5th है ना, हाँ अनबॉक्सिंग आपको मिलेगी, देखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में ना जरूर से बताना। उसी के साथ चचेरे भाई की बात करें तो ओप्पो का फाइंड X5 सीरीज ऑफिशियली, ये नाम कंफर्म्ड हो गया है, ये कहीं ऑनलाइन लिस्ट हुआ था, तो 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 के बाद आपको तो पता ही है 4 को चाइना वाले बड़ा गलत मानते हैं। अब ओप्पो फाइंड X5 सीरीज जो है, जो 5 प्रो है उसमें, उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, ये उसका रेंडर है, फोटोज वगैरह देखेंगे कुछ ये फोन ऐसा दिखेगा, और स्पेक्स भी बड़े तगड़े हैं, डायमेंसिटी 9000 और बड़ी डिस्प्ले, एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वगैरह, और कैमरा भी एकदम किलर होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें बाहर आई है। ये इस बार शायद वो लोग लॉन्च करेंगे क्योंकि फाइंड X2 सीरीज के बाद, अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ फाइंड X2 प्रो, फाइंड X3 प्रो आया था, हमने अनबॉक्सिंग किया था लेकिन इंडिया में नहीं आया था, शायद फाइंड X5 सीरीज वो लोग ला सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि इनके फोन्स ना ऑनेस्टली कहो तो कैमरा बहुत अच्छा होता है, आएगा आपको बताएगा, मे बी मार्च के पहले इंडिया में मिल सकता है। एक पकड़ लिया, देखा। मैं एक ऐसा इकलौता टेक यूट्यूबर है जो अपने सब्सक्राइबर्स को रंगे हाथों पकड़ता है टाइम स्टैम्प्स में। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को अब लॉग इन करने में एरर हो रहा है। क्राफ्टन ने इसको एक्नॉलेज्ड किया और उन्होंने कहा कि हम इसको फिक्स्ड करेगा, सबके साथ नहीं हो रहा है लेकिन काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप बताइए अगर आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलने की कोशिश कर रहे थे और अगर आपको लॉगिन में कुछ एरर आ रहा है तो जरूर बताना। तो ये थोड़े टाइम तक इसको क्राफ्टन ने कहा कि हम जल्दी ही फिक्स्ड कर देंगे, लेकिन मुझे आपको रंगे हाथों पकड़ने में जो मजा आता है ना, उतना एक पुलिस को चोर पकड़ने में भी नहीं आता होगा, उतना मुझे आपको पकड़ने में आता है। ये टेक्नो वाले भी कोई कम नहीं है भाई, बताया जा रहा है कि इन्फिनिक्स अपना डायमेंसिटी 900 वाला फोन ला रहा है ना,
टेक्नो वाले भी लेके आ रहे हैं। ये भी अपने Dimensity 900 वाले 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर रहा है। इसमें भी हाईर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी, 50 मेगापिक्सल कैमरा वगैरह वगैरह। अब ये शायद आपको 20,000 के ऊपर मिल सकता है, मे भी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स वाला तो 15-20 के बीच में लाएगा, ऐसा वो लोग भी बता रहे थे। तो काफी सारे 5G फोन इंडिया में अब अच्छी प्राइस पर आने वाले हैं जनवरी के अंदर। तो अगर आप वेट कर रहे थे दोस्तों एक अच्छे 5G फोन का बजट में, तो वेट करिए, करते रहिए, जनवरी में ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। क्या आपको बताया दोस्तों, प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल आपको बताता है। चाइना के अंदर एक आदमी ने जब शादी किया अपनी गर्लफ्रेंड से, तो उसका जो जोड़ा था ना शादी का, हम बोलते हैं ना, उसमें 9999 फ्लावर्स को सिया था उस कपड़े के ऊपर, चिपका दिया था। क्या बोला तूने? सोचो ये लड़की देखोगे क्या हाल में है बेचारी, लेकिन ये इस बंदे का प्यार था जो उसने किया, पर मैं ये बोलेगा कि काइको किया, सिंपल भी हो सकता था। फिर ये भी बोलेगा कि सबकी अपनी अपनी मर्जी है। आज की न्यूज़ खत्म नहीं भी करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।